तीन करोड़ से ज्यादा लोग इलाहाबाद में संगम पर महाकुंभ के दूसरे शाही स्नान में आस्था की डुबकी लगा चुके थे। शाम 6 बजे तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उसी वक्त शहर के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ऐसा हादसा हुआ जिसने महाकुंभ में मातम फैला दिया। मौनी अमावस्या का शाही स्नान खत्म हो चुका था, 3 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके थे। सूरज ढलने के बाद करोड़ों सालों का पुण्य एक साथ कमाकर लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे। मंजिल तय करने के लिए भक्तों की भीड़ बड़ी तादाद में इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि एक बड़ी अनहोनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर उनका इंतजार कर रही थी। जी हां, एक भीषण हादसा भगदड़ की शक्ल में श्रद्धालुओं का इंतजार कर रहा था। घर जाने के लिए हजारों लाखों लोगों की भीड़ इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी। संख्या इतनी ज्यादा थी कि प्लेटफॉर्म पर लोग समा नहीं पा रहे थे। हादसे में कई लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि घायलों की तादाद भी लंबी चौड़ी है। ये 7:15 बजे की घटना है और पब्लिक दोनों तरफ से बराबर चल रही थी और बीच में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। वो लाठीचार्ज में जो है आदमी भगदड़ हो गई, उसी भगदड़ में ये लोग कम से कम 32 लोग मारे गए, जो लमसम 10 लाशें अभी नीचे पड़ी हुई हैं और कुछ लाशें ऊपर से जा चुकी हैं। और इतनी लापरवाही है कि यहाँ कोई ना डॉक्टर आया है ना कोई एम्बुलेंस आया है, कम से कम 2.5 घंटा हो गया है। प्रशासन इतनी लापरवाही है, कोई अभी यहाँ पे इन लोगों की व्यवस्था कोई नहीं हो सकती कि इलाज कराया जा सके या कुछ है, और सारे लोग लमसम मारे जा चुके हैं इसमें। जो शहर जो जगह कुछ मिनट पहले तक आस्था के सैलाब से गूंज रही थी, वहां अब रुदन और मातम फैल चुका है। संगम पे महास्नान की डुबकी लगाने वाले ना जाने कितने भक्तों का जीवन संसार इस भगदड़ में उजड़ चुका है। ना जाने कितनी माओं की गोद से उनके बच्चे को नियति की क्रूरता ने छीन लिया, और ना जाने कितने बच्चे अपनी मां की ममता से हमेशा हमेशा के लिए मरहूम हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक मरने वालों में बच्चों और बुजुर्गों की संख्या सबसे ज्यादा है। प्रशासन फिलहाल मदद पहुंचाने में लगा है। प्रमिला दीक्षित और संजय शर्मा के साथ अनूप श्रीवास्तव, इलाहाबाद आज तक। बड़ा सवाल यह है कि इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ, इसकी वजह क्या है? रेलवे प्रशासन की लापरवाही या बद इंतजामी प्रशासन की? रेल अधिकारी हादसे की जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन चश्मदीदों का आरोप है कि स्टेशन पर भीड़ देखकर, उम्मीद नहीं थी इतनी भीड़ की, भीड़ देखकर स्टेशन प्रबंधन के होश उड़ गए और उनकी बदहवासी बन गई महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं के मातम की वजह। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर मातम और बदहवासी का मंजर दिल दहला देने वाला है। रविवार को पूरे स्टेशन परिसर में सुबह से शाम तक उन श्रद्धालुओं का रेला था जो महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर संगम में डुबकी लगाने आए थे। स्नान के बाद घर लौटने की जल्दी में लोग रेलवे स्टेशन की ओर उमड़े और फिर अचानक प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को रौनते हुए भागे। महाकुंभ में मातम की यह भगदड़ क्यों मची, इसके बारे में जितनी मुंह उतनी बातें शुरू हो गई। कुछ लोगों का कहना था कि फुटओवर ब्रिज की रेलिंग टूटने से भगदड़ मची, तो कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने भीड़ पर लाठी फटकारी जिसके चलते यह हादसा हुआ। ये भीड़ को रोकने पुलिस यहाँ रोक नहीं पाई भीड़ को और उसको लाठी चार्ज हुआ। कोई भी नहीं आया, हम ही लोग निकाल लेते। भीड़ जो है उसको काबू में करने की कोई प्रशासन नहीं है जी। और जो ये उल्टा मोड़ा है ये पुलिस वालों की गलती थी, जो ट्रैफिक सीधा जा रहा था उनको उल्टा मोड़ दिया, इसके वजह से हुआ। वहीं कुछ चश्मदीदों का कहना है कि फुटओवर ब्रिज पर आने और जाने वालों की भीड़ थी, ऊपर से ढेर सारे लोग रास्ता घेर कर ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे। जल्दबाजी और बद इंतजामी का ये घालमेल श्रद्धालुओं के लिए घातक साबित हुआ। ये तो दोस्तों जांच के बाद ही पता चलेगा, जांच होगी घटना की, जिसके बाद ही पता चलेगा। रेल अधिकारियों ने भीड़ पर लाठीचार्ज की बात तो साफ इनकार किया, लेकिन बद इंतजामी के सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं था। लाठीचार्ज, कोई लाठीचार्ज नहीं किया था, इतना हमारे पास आदमी नहीं कि यहाँ पे हम पुल के नीचे क्यों लाठीचार्ज करें। लेकिन डीआरएम साहब, आपको कल से पूरे प्रशासन को पता चल गया था कि 3 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे, तो उसके लिए कुछ अलग इंतजाम किए क्या? अलग इंतजाम किया गया था, लेकिन शाम के समय में इतना ज्यादा भीड़ आ गया था कुंभ मेला से कि वहां से भी भीड़ को कम छोड़ना था। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन दूसरा शाही स्नान था। पूरी दुनिया को मालूम था कि इस मौके पर इलाहाबाद में लाखों क्या करोड़ों की भीड़ उमड़ेगी।
रेलवे ने श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम के दावे भी किए थे, लेकिन उन दावों की पोल दर्दनाक हादसे ने खोल दी। हालांकि रेलवे और पुलिस के अधिकारी यही दलील दे रहे हैं कि उनकी ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई, बल्कि यह हादसा भारी भीड़ के दबाव की वजह से ही हुआ। लेकिन पहले से पता होने के बाद भी भीड़ संभालने में बद इंतजामी लापरवाही नहीं तो फिर और क्या है? प्रमिला दीक्षित, अनूप श्रीवास्तव और संजय शर्मा के साथ प्रतीक त्रिवेदी, इलाहाबाद आज तक। वाकई हास्यास्पद है कि जब भीड़ इतनी आनी है, ये तय था 3 करोड़ से ज्यादा लोग, और उसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि भीड़ ज्यादा हो गई इस वजह से हादसा हो गया। समस्या पर है, वाकई बद इंतजामी ने महाकुंभ पर एक बदनुमा दाग लगाया इंतजामों ने, और 20 मौतें हो चुकी हैं। इसके बाद हम आपको बता दें, रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, आप टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इलाहाबाद के लिए नंबर है 05-3224-0, शुरुआत में कोड है, इसके बाद जो नंबर हेल्पलाइन नंबर है 2408148-8128। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के हेल्पलाइन नंबर है, एसटीडी कोड है 011, नंबर है 2334-2954 और 2334-1074। वहीं दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो हेल्पलाइन नंबर है, सिटी कोड 011 और फोन नंबर है 2396-7332। मुगलसरा का जो हेल्पलाइन नंबर है, सिटी कोड है 05412 और फोन नंबर है 2541-45। और इसके अलावा रेलवे का जो जनरल हेल्पलाइन नंबर है 1072-1072, इस पर फोन करके आप पता कर सकते हैं ये आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। लोग आस्था की डुबकी लगाकर लौट रहे थे अपने अपने घरों की तरफ, लेकिन रेलवे स्टेशन पर वो जो फुटोज लाशों से भरा गया, स्थिति लोग कूद रहे थे, उस स्थिति वक्त क्या हाल था और हादसे के बिल्कुल बाद का उस ब्रिज पर, बता रही हमारी संवाददाता प्रमिला दीक्षित। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये वही जगह है जहां पर ये भगदड़ का हादसा पेश हुआ है, और भीड़ इसमें एक सबसे बड़ी वजह मिली है। भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाया यहाँ का प्रशासन, पूरी कोशिश की थी, पूरा अमला झोंक दिया था ताकि ये सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए, लेकिन उसके बावजूद रेलवे स्टेशन पर शायद वो इंतजाम नहीं थे, और यही वजह है कि इस भारी भीड़ के बीच ये हादसा पेश आया है। लोग अब जब ट्रेन आने वाली थी उसके बाद भगदड़ हुई, और इसमें 12 जाने अब तक गई हैं, और ये गिनती कुछ ज्यादा भी हो सकती है, 15 लोग करीब घायल हैं। और यहाँ पर जो ये हादसा पेश आया उसके बाद भी, जब ये हादसा हुआ उसके बाद भी लोगों तक स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए प्रशासन को अच्छी खासी मुश्किल में शाही पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि उसके आड़े भी यही भीड़ सामने आई, क्योंकि रास्ते में बिल्कुल जगह नहीं थी। आप बता पाएंगे क्या हुआ था? मैं तो आया यहाँ, जैसे जो मुझे सुनने में आया कि यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, इससे की भगदड़ मच गई और लोग यहाँ से गिर गए। लाठीचार्ज कैसे हुआ? ये भीड़ को रोकने के लिए पुलिस यहाँ रोक नहीं पाई भीड़ को, और उसको लाठीचार्ज हुआ। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, लोगों की अपनी अपनी बात है, क्योंकि पुलिस लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और भीड़ जो है वो काबू में नहीं आ रही थी, और सबकी अपनी अपनी ट्रेन थी और उस ट्रेन तक वक्त पर पहुंचना था। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर आप जहां पर भी नजर डालेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों की अपार भीड़ नजर आएगी। निकालने वाला कोई बंदा नहीं था, एक घंटे से निकाल रहा हूँ मैं। कितने लोग होंगे करीब? करीब पूरा यहाँ से भरा हुआ था। मेरी मिसिज है, मेरी दादी है, मैंने किसी तरह सुकर्मन मुंबई बच गया था, तो मैंने निकाले हैं 12 लोगों को। नाम बताइए? मेरा आदित्य गुप्ता नाम है, दिल्ली से। मिसेज कहाँ है आपकी? मिसेज मेरी वो बैठी हुई है और दादी मेरी उनको उधर लेटा रखा। यहाँ पर कितने लोग थे जो इस हादसे का शिकार हो पाए? ये करीब 10-12 लोग। 10-12 लोग हैं घायल, वो जो है घायल तो कम है, लेकिन जो है वो पूरे दर्द कर गए। ऐसा लगता है कि टाइम पे पहुँचे थे लोग उनको उठाने के लिए? कोई भी नहीं आया, हम ही लोग निकाले थे। भीड़ जो है उसको काबू में करने की कोई प्रशासन नहीं है जी। और जो ये उल्टा मोड़ा है ये पुलिस वालों की गलती थी, जो ट्रैफिक सीधा जा रहा था उनको उल्टा मोड़ दिया, इसके वजह से हुआ है। तो ये जो बयान दे रहे हैं यहाँ पर जो लोग चश्मदीद हैं, उनका कहना है कि पुलिस ने लोगों को जो रास्ता बताया और वापस की ओर खड़े रहा, और प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पास ये हादसा हुआ है, पुलिस की उसमें कमी बता रहे हैं। जाहिर तौर पर अगर ये हादसा कहीं ना कहीं बद इंतजामी की तरफ साफ इशारा करता है, और ये अपने आप में अगर इतने 3 करोड़ लोग आएंगे तो किस जरिए से आएंगे? रेल के जरिए आएंगे, यातायात साधनों के जरिए आएंगे। अगर वहां पर क्राउड मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं तो ये प्रशासन की साफ तौर पर विफलता है।
जब हादसा हुआ डिजास्टर मैनेजमेंट के कोई इंतजाम नहीं थे, आपने सुना होगा चश्मदीद की जुबानी, कोई वो नहीं था, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। हादसे के फौरन बाद हमारे संवाददाता संजय शर्मा वहां पहुंचे, क्या देखा आइए दिखाते हैं। ये वो इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म नंबर 6, यहां पर जो रेलिंग गिरी है जिसकी वजह से ये सारा हादसा हुआ है, ये सारा सामान उस हादसे को बयान कर रहा है, उसमें के लोग बुरी तरह घायल हुए हैं, लोग आप देख सकते हैं। अचानक लगभग 6 बजे की बात है, अचानक यहां पर स्टैम्पेड हुई, भीड़ का प्रेशर ज्यादा हुआ जिसकी वजह से सामान लोग फेंक फेंक कर भागे हैं। ये आप देख सकते हैं ये सामान, लोगों ने किस तरह अपनी जान बचाने के लिए ये सामान यहाँ पर छत पर फेंका और अपनी जान बचाने के लिए भागे, कुछ लोग कूद गए और अभी तक घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है। ये प्लेटफार्म नंबर 6 है, यहाँ अभी राजधानी डिब्रूगढ़ राजधानी लगी है। ये चश्मदीद हमारे साथ हैं जो आपको बताएंगे। नाम बताइए। मेरा नाम अमित कुमार है। आप चश्मदीद हैं, क्या हुआ उस समय, कैसा हुआ? उस समय यहाँ पे भीड़ दोनों तरफ से टकरा रही थी, तो उस बीच बचाव करने के लिए पुलिस ने लाठी मारा, कई लोगों को मारा, तो उसमें तो भीड़ जो है जितर बितर हो गई, इसके अंदर एक दूसरे पे चढ़ गए और ये घटना हो गई मेरे सामने। जो भी 30-32 आदमी मरे हुए हैं ये मेरे सामने मरे हुए हैं। कितने बजे की बात है ये? 7:30 की बात है। मैं कुंभ मेला से आ रहा था, मैं एग्जैक्टली वहां था, ये करीब 6:50 हुआ था, पूरा एकदम कतार से भरा हुआ था फुट ओवर ब्रिज। तब पुलिस का जो कांस्टेबल है वो विदाउट ऑर्डर सुपीरियर ऑर्डर लाठीचार्ज करना चालू किया, तो पैनिक तैयार हुआ, पैनिक ने ऊपर वाला क्राउड पूरा नीचे तरफ आने लगा, तो नीचे वाले पूरा गिर गया, कुचल गया विदाउट ऑर्डर, क्योंकि सुपीरियर उसको मना किया कि लाठी चार्ज मत करो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पन्नालाल है। कहाँ से आए हैं? बक्सर रंबा से आए हैं, बिहार के। ये आपके परिवार के लोग हैं? मेरा परिवार ये है। और इनके परिवार के लोग कहाँ हैं? नाम बताएंगे? हमारा नाम संतोष कुमार मौर्य है, मैं गांव मोदी नगर रहने वाला, जिला प्रतापगढ़ तहसील कुंडा, हम राजा भैया के क्षेत्र खेती के रहने वाले। यहाँ पर आप यहीं थे उस समय? हमारे भाइयों मरा है, हमारे भाइयों को लाठी से पुलिस ने मारा है, देखो देखो, मैं साथ साथ चल रहा था, साथ में हमारे लोग लाठियां पड़ी है, इसमें हमारे लोग चला दिए। ये रेलवे का प्रशासन जो दावा कर रहा था कि उसने कलर कोड बनाए हैं, कलर बनाए हैं, लेकिन यहाँ जो हादसा हुआ ये बता रहा है कि सिर्फ रंग बनाने से नहीं होता, रंग दिखाना पड़ता है, और ये रंग दिखाने के लिए अगर ऐसा किया जाए तो आप खुद समझ सकते हैं। अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई राहत की टीम नहीं आई, रेलवे के दावे इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन जहाँ ऐसे हादसों के 3 घंटे बाद तक कोई कार्रवाई ना हो, कोई अफसर इनके आंसू पहुंचने ना पहुंचे, तो ऐसे में शक और सवाल तो पैदा होते ही हैं और होने भी चाहिए। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ संजय शर्मा, इलाहाबाद आज तक। वाकई शर्मनाक है, वाकई शर्मनाक है। जितने बड़े बड़े दावे किए गए थे, यहां तक किया गया था हाई अलर्ट पर, आतंकवादियों से निपटने तक की बात के पुख्ता दावे किए गए थे, लेकिन सारे दावे रात होते होते ध्वस्त हो गए। रास्ते के सवाल पूछ रहा है कि आखिर कौन जिम्मेदार है। सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे स्टेशन पर भीड़ संभालने के इंतजाम क्यों नहीं थे? 3 करोड़ लोग आएंगे, किससे आएंगे? रेल से आएंगे, इसकी ट्रेनें चलेंगी, तो वहां पर क्राउड मैनेजमेंट के कोई इंतजाम नहीं थे। दूसरी बड़ी बात, जब सारे लोग इकट्ठे डुबकी लगा रहे थे, कुंभ मेला में इकट्ठा थे, उसके बाद क्राउड मैनेजमेंट करना चाहिए था, श्रद्धालुओं को छोटे छोटे समूह में क्यों नहीं रवाना किया गया? क्यों एक, क्योंकि स्वाभाविक है आप एकदम से बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं को अगर मेला परिसर से छोड़ेंगे तो सारा दबाव रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर, सड़कों पर बनेगा, कोई ध्यान देने वाला नहीं था। दिन ढला, जिम्मेदारी खत्म हो गई, यूं मान लिया अधिकारियों ने। प्लेटफॉर्म पर पर्याप्त सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं थे? वहां पर कोई डिजास्टर मैनेजमेंट इंतजाम नहीं, वहां पर क्यों इतनी भीड़? आखिर एक फुट ओवर ब्रिज पर क्षमता से ज्यादा लोग कैसे पहुंच गए? ये तमाम सवाल आज तक पूछ रहा है यहां पर, लेकिन जवाब देने के लिए अफसोस अभी तक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आइए आपको सुनाते हैं घटना के बाद रेल मंत्री पवन कुमार बंसल मीडिया के सामने आए, उन्होंने इस पर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तक आपको मालूम है एक हादसा इलाहाबाद से आज बड़ा हुआ है, जो यात्री श्रद्धालु महाकुंभ के लिए वहां स्नान के लिए आए थे, वापसी के समय 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर इलाहाबाद मेन रेलवे स्टेशन पर स्टैम्पीड हुआ, भगदड़ जो हुई उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, उसके नंबर का सही हमें अभी पूरा पता नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी यह है कि 10 जरूर वहां उनके लोगों की मृत्यु हुई है और 12-13 लोगों को चोटें आई हैं। चोटों वालों को अब अस्पताल पहुंचाया जा चुका है, पहले काफी देर तक हमारे ऑफिसर्स उस जगह पे नहीं पहुंच पा रहे थे प्रयासों के बावजूद, क्योंकि वहां बहुत इकट्ठे थे,
अब पहुंच पाए हैं और लगातार निरंतर तौर पर वहां 112 गाड़ियां तो रोजाना वैसे निकलती हैं और 50 गाड़ियां 49 आज स्पेशल ट्रेन वहां से इलाहाबाद के जो स्टेशन हैं उनको सभी से मिला के वहां से लोगों को ले जाने के लिए वापस गई हैं। हादसे के बाद क्योंकि आज उम्मीद से ज्यादा सभी के लिए वहां लोग पहुंच गए थे आज बहुत बड़ी तादाद में, तो इस कारण अभी वहां मीटिंग चल रही है हमारे एनटीआर के वहां जोनल मैनेजर जो हमारे जनरल मैनेजर हैं जोन के वो वहीं मौके पे रेलवे स्टेशन पे वहीं हैं, उनसे मेरी बात अभी हुई है। वो ये फैसला कर रहे हैं कि कहां कहां से कौन सी गाड़ी को और जगह से कैंसिल करके हटा के उसको एकदम वहां भेजी जा सके इलाहाबाद और वहां से लोगों को लाके जल्दी निकाल पाए, ये प्रयास साफ चल रहे हैं और हमारा ये एक कोशिश हमारी ये रहेगी कि और गाड़ियां ज्यादा जितनी स्पेशल पहले तय भी हुई हुई हैं उनसे ज्यादा भी अगर संभव हो वो चला पाए। लेकिन जो मांगे की गई थी बंसल साहब क्या वो पूरी की गई है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार यही बात मौके पे किसी मांगों पे या और बातों का जिक्र नहीं करता, वो काम आपका है आप अपने हिसाब से करिए। जो हमारे सामने एक बड़ी चीज है हम उससे आज जूझ रहे हैं उसी से करना चाह रहे हैं। आज मैं यहाँ आपके बीच में बात आपको करने के लिए क्योंकि आप पहुंचे हैं, आप जितनी बात बताना हमारे लिए था उतना आपको कह रहा हूँ। इस वक्त मैं इस चीज पे नहीं पहुंच रहा कि किसकी कौन सी मांगे थी किसकी कौन सी मांगे, मैं कॉम्पनसेशन प्रधानमंत्री की तरफ से ऐलान हुआ है मुझे अभी अमाउंट का पता नहीं लग पाया। प्रधानमंत्री के कार्यालय से ये कहा गया है कि जो जिनकी मृत्यु हुई है या जिनकी चोटें लगी हैं उनको वहां से प्रधानमंत्री कोष फंड से उनके लिए राहत का ऐलान हुआ है। हम बात चीजों में आपस में देखना है उसके बाद कहां कहां क्या चीज करनी है वो सब करेंगे। मेरी खबर ये है लेकिन इस बात को फिर आप भी पुष्टि करेंगे मैं भी पुष्टि करूंगा कि रेलिंग नहीं टूटेगी। प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर गहरा शोक जताया। प्रधानमंत्री आवास ने प्रधानमंत्री की ओर से ट्विटर पर संदेश भेजा है। प्रधानमंत्री ने इस हादसे के बाद रेलवे को तुरंत पीड़ितों की मदद का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने मृतक के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजा का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने तमाम केंद्रीय विभागों को उत्तर प्रदेश सरकार की मदद के आदेश दिए। बीजेपी ने भी भगदड़ पर शोक जताया। रविशंकर प्रसाद प्रवक्ता क्या कहा ये सुनते हैं। मैं अपनी बहुत ही संवेदना प्रकट करता हूं। अभी तक की जो खबर आई है उसके मुताबिक लगभग 22 लोगों की मृत्यु हुई है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव और रेल मंत्री श्री पवन बंसल से बात की है और पूरे मामले को गंभीरता से लेने के लिए आग्रह भी किया है। मौनी अमावस्या के दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आने वाले थे, इसके बावजूद स्टेशन पर सावधानी क्यों नहीं बरती गई, क्यों रेलिंग टूटी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में विस्तार से जांच होनी चाहिए और देश को बताने की आवश्यकता है। साथ ही हम अपील करना चाहेंगे कि जो श्रद्धालु फंसे हुए हैं उनके लिए और बड़ी संख्या में विशेष रेलगाड़ियों की व्यवस्था की जाए ताकि वो अपने गंतव्य स्थान पर जा सकें। यूपी के शहरी विकास मंत्री आजम खान क्या कहा ये सुनते हैं। दो ढाई करोड़ का अनुमान हो, 4 करोड़ लोग पहुंचे हो, आप अंदाजा लगाइए इनका इंतजाम करना कितना मुश्किल काम होगा, कितनी फोर्सेस होंगी, कितने उनके इंतजाम बैरिकेटिंग के होंगे। हो सकता है उसका रद्द अमल हुआ हो, लोग उससे मायूस हुए हों, लेकिन वहाँ बैरिकेटिंग के टूटने की इतला है और कोई रेलवे पुल की कोई एक रॉड निकल गई है उसकी इतला है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। अपार भीड़ थी, एक बिल्कुल इंसानी समंदर है जो इस वक्त में है, उसमें इतना बड़ा मैनेजमेंट बहुत कामयाबी के साथ किया जाना और अभी तक जारी है, हम इससे बहुत सहयोग चाहेंगे। किसी तरह की कोई खबर ऐसी फ्लैश नहीं होना चाहिए जिससे वहां न होती हुई भगदड़ हो जाए। आखिर ट्रेनें कुछ बढ़ाई जाएंगी इस
जी ये तय हो गया है, ट्रेनें चल रही हैं पूरे देश से, जहां जहां भी ट्रेनें खाली होती जा रही हैं सब इलाहाबाद की तरफ रवाना होंगी। जो घायल हैं और जो मृतक हैं उनको सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन ये वक्त मुआवजे के ऐलान करने का नहीं है, जानों की कीमत लगाने का वक्त नहीं है, वो सब हो जाएगा, मुआवजा तो बहुत छोटी सी बात है। वर्तमान में इंतजामिया को लेकर क्या निर्देश दिया आपने? इंतजामिया तो चौकस है ही, करोड़ों लोगों का इंतजाम कर रहा है, तो वहाँ चौकसी में कमी थोड़ा ही, राहत और बचाव कार्य बराबर से चल रहा है, राहत का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। वो केंद्र के मंत्री पवन बंसल हो या यूपी के मंत्री आजम खान, आपने दोनों के बयानों में सुना होगा मानो भीड़ को दोषी ठहरा था। क्या दोनों को पता नहीं था कि भीड़ इतनी आएगी? आएगी तो स्टेशन पर भी जमा होगी। सवाल यहां पर प्रशासनिक इंतजामों का है कि वो भीड़ भगदड़ में तब्दील ना हो, यही तो करना था, और इसके भीड़ को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, वाकई शर्मनाक है। हालांकि इसके बाद नेताओं का वहां पर मौका वारदात पर, मौका हादसे पर जायजा लेने का सिलसिला जारी है। उमा भारती बीजेपी की नेता है, इलाहाबाद पहुंची, उन्होंने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। घटना में जो चश्मदीद मौजूद थे उनका ये कहना है कि व्यवस्था की कमी और नियंत्रण करने वाली व्यवस्था की कमी के कारण सीढ़ियों पर भगदड़ मची, उससे लोग गिरते गए और एक दूसरे के नीचे कुचलते गए। लेकिन सबसे दुखद बात जो चश्मदीद ने जो घायल है उन्होंने कही है कि वो एक घंटे तक खुद भी वहां पड़े रहे, लेकिन वहां कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई किसी तरह की व्यवस्था नहीं हो पाई। इससे मुझे लगता है कि कई लोग मरने से बचाए जा सकते थे, अगर उनको तुरंत ऑक्सीजन मास्क मिल जाते, पेन क्रीम मिल जाते, तुरंत इंजेक्शन मिल जाते तो बचाए जा सकते थे। और इससे ये भी साबित हुआ है कि रेलवे स्टेशन के ऊपर चिकित्सक दल का इंतजाम नहीं था, और घोर लापरवाही हुई है, भयानक लापरवाही हुई है, और लापरवाही के कारण ही इतने लोगों की मृत्यु हुई है। अगर वहां मौके पर चिकित्सक दल मौजूद होते, और ये भी मुझे बताया गया है कि कहीं भी रेलवे स्टेशन का रास्ता बताने वाला कोई नहीं था, कौन सी ट्रेन कहां से आएगी इसकी भी जानकारी देने वाला कोई नहीं था। करोड़ों लोग जहां स्नान के लिए आ रहे हों वहां पर रेलवे की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से इन व्यवस्थाओं का जो अभाव है वही मृत्यु का कारण बना है। और इसलिए मैं इस घटना से बहुत दुखी हूं, और इस घटना के लिए जिन लोगों ने लापरवाही बरती है वो हत्यारे हैं, जिन निर्दोष लोगों को। अरे बीती घटनाओं से सबक ले लेते तो ये नौबत नहीं आती, क्योंकि ये कोई पहला हादसा नहीं। कुंभ के दौरान हादसे की बिल्कुल पहली घटना नहीं, 10 साल पहले 27 अगस्त 2003 को नासिक के कुंभ में भगदड़ मचने से 39 लोगों की मौत हो गई थी। वहां भगदड़ स्नान के दौरान मची थी जब भीड़। वहीं 1954 इलाहाबाद महाकुंभ में यहीं पर भगदड़ का इतिहास रहा, 800 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। 2010 में हरिद्वार कुंभ में भगदड़ हुई, 7 लोगों की मौत हो गई। तो अगर हादसों से सबक ले लेते तो एक और हादसा अपने आप को नहीं दोहराता। बहरहाल हादसा हुआ, 20 लोगों की मौत हुई है। रेलवे ने जो हेल्पलाइन नंबर दिए हम एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है जो आपके अपने हैं, अगर आपको लगता है उनका फोन नहीं लग रहा इन नंबरों पर फोन करके उनके बारे में इत्तला कर सकते हैं, आप टेलीविजन स्क्रीन पर यह नंबर देख सकते हैं। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो ब्रैकेट में देख रहे हैं वो एसटीडी कोड, इसके बाद ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इन्हें डायल करके अपने परिजनों के बारे में इत्तला कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। हम आपको बता दें सभी नंबर रेलवे ने जारी किए हैं।